पूछ में इतनी ताकत नहीं होती कि सांड को हिला सके। इश्क करना इतना नहीं आसान यारो। जब उसने इसको हल्के में ले लिया, उसकी मोहब्बत को भूल मत करना। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। सेलो प्रेजेंट, वाह भाई वाह। मैं आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा। नमस्कार साहब, कैसे हैं? बढ़िया। आपको देख के जी प्रसन्न हो गया। क्या बात है, वाह वाह। तो मैं आपका दोस्त, ठीक है, झकास। वाह। तो मैं आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा, आप सब में खास और कार्यक्रम हो रहा है झकास, जिसका नाम है सेलो प्रेजेंट। वाह भाई वाह। क्या बात है, ये दांत किसी दुर्घटना में गए या किसी से कोई झगड़ा वगड़ा हो गया था? असली बात बताता हूं, गए कैसे हुआ ये जो अंतु झकास जी हैं, इन्होंने मुझे सच्ची बात एक दिन चुपके से बताई, जिस दिन सच बोलने की कला इनके पास थी। बोले हुआ ये भाई साहब, मोहल्ले में नए नए पड़ोसी आए थे, मैं चंदा मांगने चला गया, वापस आया तो दो दांत कम थे। मैंने कहा क्यों क्या हुआ? चंदा उनकी बीवी का नाम था साहब, क्या था? पीट देते हैं लोग। आज हम ये पिटाई स्पेशल एपिसोड करने जा रहे हैं। पिटाई होगी इसमें, इसमें पिटाई होगी भ्रष्टाचार की, इसमें पिटाई होगी अत्याचार की, इसमें पिटाई होगी महंगाई की, इसमें पिटाई होगी मुश्किलों की, इसमें पिटाई होगी झूठ की। क्योंकि कोई आदमी कैसे भी पीट देता है यार। क्लास में टीचर ने, मैं जब छोटा था, मुझे पीट दिया। सवाल पूछा था, सांड अपनी पूंछ क्यों हिलाता है? अब मैंने जवाब दे दिया, क्योंकि पूंछ में इतनी ताकत नहीं होती कि सांड को हिला सके। पीट दिया, जब देखो तब पीट देते हैं। तो आज आप तीनों को मिलकर पिटाई करनी है, और आपके पास दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है, कलम। इस कलम से, लेखनी से, जो पिटता है फिर कभी नहीं उठता है। इस दुनिया में जितने अत्याचार हुए उनके खिलाफ कलम खड़ी हुई, इस दुनिया में जितने पुनर्जागरण हुए कलम की वजह से हुए, इस दुनिया में जितनी क्रांति हुई कलम की वजह से हुई, और आज ये कलम के तीन पहरेदार हमारे साथ बैठे हैं, जिसमें से एक तो अंतु झकास हैं। आपका नाम मुझे बड़ा पसंद आया, आपका ये अंतु नाम कैसे रखा गया? ये अंतु किंतु परंतु विचित्र जंतु। अरे ये तो ऐसा हुआ कि बहुत कुछ किया था परंतु हो गया अंतु। भाई क्या काम, बोले ये बड़ा कमाल लाया आप हैं? पर इसका कोई अर्थ है क्या, मैं जानना चाहता हूं, मतलब गंभीरता से, या कोई नाम आपका, जैसे कईयों का नाम होते हैं अंतिम कुमार, इसलिए प्यार से अंतु बोलते हैं, ऐसा तो नहीं है? अंतु, अंतलाल उर्फ अंतु। अंतलाल उर्फ अंतु। वाह। नहीं, कई बार ऐसा पुराने जमाने में होता था, जैसे कोई पहली औलाद है तो प्रथम नाम रखते थे, तो हो सकता है आप जैसे अपने बड़े भाई बहन हो, आप सबसे छोटे हो, इसलिए आपका नाम अंतलाल रखा हो। जी, 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 बिल्कुल जी। वही था ना जी, जी। तो अंत का नाम हुआ जी। अंतु अंतु। और फिर झकास आपने खुद रख लिया जी। अच्छा, दुनिया की ऐसी की तैसी, अपन खुद ही झकास है। तो ये अंतु झकास है जो बारह सिवनी से हमारे बीच में, और कितने बढ़िया इंसान है आप देखो, जो खुद पे हंसना जानते हैं। दुनिया के वो लोग सबसे बेहतर होते हैं अंतु भाई, जो खुद पे हंसना जानते हैं, और आप खुद पे हंसना जानते हैं, इसलिए आप बड़े कलाकार हैं, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ। इसलिए ये अंतु झकास है, और इधर एक तन्हा है, इसका नाम तारा चंद तन्हा है। अब ये तन्हा क्यों है यही जाने, जिस आदमी की मूछें टूथब्रश जैसी हो। क्या सोच के तुमने मूछें रखी तारा चंद तन्हा? पहले तो तन्हा के बारे में बता दें। हाँ, पहले तन्हा के बारे में। देखिए सर, मेरा नाम तारा चंद्र, तो
तारों के बीच में चंद्रमा जो तन्हा है। वाह वाह, क्या बात है। और ये मूछें इसलिए चौड़ी रखी हैं कि हम लोगों की नाक जो है वो शान होती है, तो इसको अंडरलाइन करके रखता हूँ। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। खैर, ये ताराचंद तना है जो बड़ी पवित्र नगरी अयोध्या से हमारे बीच में आते हैं। ये अंतु झकास है जो वारासिवनी से हमारे बीच में आती है, और एक बहुत बड़ी पवित्र नगरी है जो हमारा सबसे प्राचीन शहर कहा जाता है, काशी बनारस, वहां से आती हैं हमारे बीच में विभा सिंह जो रहने वाली मिर्जापुर की है। और आज ये तीनों मिलकर कमाल करेंगे, धमाल करेंगे, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। तुम भी ऐसा सोच रहे हो तो एक बार मेरे साथ कहो वाह भाई वाह। तो अंतु झकास, दूर मत रहो, आ जाओ पास, जोरदार तालियों के साथ अंतु झकास। मैं अंतु झकास, अब ऐसे ही झकास नहीं है, मैं जब पैदा हुआ तो मेरे माँ बाप दोनों हंस रहे थे। उधर से दादी आई, दादी ने पूछा आप हंस क्यों रहे हैं, तो दादी को बताया, क्या बताएं मम्मी, ये बच्चा दिखाई नहीं दे रहा। अब जब नामांकन का वक्त आया तो फिर दादी से पूछा गया, मम्मी इसका नाम क्या रखें, तो दादी बोले रख दो झकास। कम से कम महसूस तो होते रहे। महसूस बात से बहुत बढ़िया। अरे आपने नमस्ते वापस करो एक बार जो किया था, कैसे किया एक बार म्यूजिक के साथ करो ना। मैं अपने दिल में सोई हुई उम्मीद जगा तो सकता हूँ, और चेहरा ढंग का नहीं है तो क्या क्रीम लगा तो सकता हूँ। मैं अपने दिल में सोई हुई उम्मीद जगा तो सकता हूँ, और चेहरा ढंग का नहीं है तो क्या क्रीम लगा तो सकता हूँ। और ए लड़कियां हिंदुस्तान, की इतना ना इतराओ, मैं अफ्रीका जाकर के कोई तो पटा भी सकता हूँ। लॉजिकल है भैया, मत इतराओ, अगला अफ्रीका जाके पटा लेगा। वाह, और अभी तो नींद नहीं आंखों में, हाय हाय, अभी तो नींद नहीं आंखों में, अभी पलकें निशान मांगती है, और ख्वाहिशों की क्या कहें, सारा जहान मांगती है। वाह, और इश्क करना इतना नहीं आसा यारो, लड़कियां महंगा सामान मांगती है। इनके दिलों की प्यास बन के रह गए आप, इनके दिलों की प्यास बन के रह गए, और कविताओं की आस बन कर रह गए, और रोते रहे वो लोग जो आपके चेहरे पे हंसे, आप चार लाइनों में झकास बन के रह गए। क्या बात है अंतु भाई, कमाल कर दिया आपने। तो वारासिवनी से अंतु झकास ने अपनी इस महफिल में चार चांद लगा दिए, और अब मैं उसे बुलाता हूं जो कोशिश करके भी चांद नहीं लगा सकता, इससे इसने नाम में ही तारा चंद रख लिया है, कि चांद कहीं भी हो होना चाहिए। तारा चंद तन्हा को बहुत सालों पहले मैंने टेलीविजन में एक टैलेंट हंट किया था कविताओं का, और उस बात को लगभग शायद 15 बरस हो गए हैं, और 15 बरस पहले उस प्रतिभा खोज में तारा चंद तन्हा को प्रथम पुरस्कार मैंने उस वक्त दिया था, और उस प्रथम पुरस्कार देने में मेरे साथ मशहूर शायर बशीर बद्र साहब थे, और मशहूर हास्य कवि ओम प्रकाश आदित्य जी थे, स्वर्गीय ओम प्रकाश आदित्य, हम तीनों ने मिलकर तारा चंद तन्हा को उस वक्त प्रथम पुरस्कार दिया था, और 15 साल बाद ये ऐसा मिला है, प्रथम पुरस्कार पाते ही गायब हो गया। आज आया है तारा चंद तन्हा, जोरदार तालियों से स्वागत करें।
आँख तरेरे खड़ी रहत है, आँख तरेरे खड़ी रहत है पत्नी और पुलिस। अच्छा, हरदम पीछे पड़ी रहत है पत्नी और पुलिस। हाँ, और बेमतलब बेमौके बोले। घर से निकले, पत्नी ने टोक दिया, कहाँ जा रहे हो? चौराहे पे आए, पुलिस खड़ी है, कैसे खड़े हो? बेमतलब बेमौके बोले पत्नी और पुलिस, और जब देखो तब जेब टटोले। पत्नी और पुलिस, हाय हाय, वाह। मैंने अपनी पत्नी से कहा, तुम मेरी जिंदगी का आईना हो, खूबसूरती में हो बहु राजकुमारी डायना हो। हाय हाय, वाह। पत्नी मुस्कुरा के बोली, क्यों मुझे बोर करते हो? यदि मैं डायना हूँ तो आप भी डायनासोर लगते हो। वाह वाह। मैंने कहा, ए जी सुनती हो जी, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, क्या मेरी भी इच्छा पूरी होगी? अच्छा, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, क्या मेरी भी इच्छा पूरी होगी? वे बोली, क्यों नहीं, मेरी भी एक शर्त है, पहले उसे निभाइए। धृतराष्ट्र अंधा था, आप भी हो जाइए। वाह वाह वाह। धृतराष्ट्र अंधा था। एक बहुत हल्का आदमी संयोग से दूसरे हल्के में चला गया। क्या शब्द का प्रयोग भाई, हल्का आप समझते हैं, हल्का, और एक हल्का इलाके को कहते हैं। एक हल्का आदमी दूसरे हल्के में चला गया, भाई क्या बात है। एक बहुत हल्का आदमी संयोग से दूसरे हल्के में चला गया, मजा तो तब आया जब उसने इसको हल्के में ले लिया। हाय 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 हाय, क्या बात है। मजा तो तब आया जब उसने इसको हल्के में ले लिया और इसका मन भारी हो गया, तब इन दो पंक्तियों का मैं आभारी हो गया कि साथ सदा हल्के लोगों का मन भारी करता है। आहा, साथ सदा हल्के लोगों का मन भारी करता है, और साथ रहे यदि भारी तो मन हल्का होता है। वाह वाह, साथ रहे यदि भारी। चार पंक्तियां देखिएगा कि खुशनुमाए जिंदगी में आया जब भुडोल था, तब हमारे दोस्तों का कुछ अलग ही रोल था। आग मेरे घर लगी तो आ गए सब दौड़ कर, किंतु उनकी बाल्टी में जल नहीं पेट्रोल था। हाय हाय, क्या बात, वाह। मैंने रक्तदान करने का जैसे ही मन बनाया, अचानक एक सर्प फन फुला के मेरे सामने आया, बोला, तन्हा जी मैं भी रक्तदान करूंगा, समाज सेवियों में नाम करूंगा। मैंने कहा, महाशय भला आपका रक्त किस आदमी के बदन में चढ़ेगा? वो फुफकारते हुए बोला, अगर आदमी है तो मेरा ही ग्रुप मैच करेगा। क्या बात है, क्या बात है, वाह। एक शब्द आया, पपीहा बोलता है, पी कहाँ पी कहाँ पी कहाँ। ये पी का मतलब पिया, पिया को पी कहते ना, मोरो पी। कि रात भर मैं जो गायब रहा, आने पर बीवी ने ये कहा, चिंता में आपकी मैं यहाँ, बड़ी मुश्किल में थी मेरी जान, और रात भर मैं रटती रही, पी कहाँ पी कहाँ पी कहाँ। मैं ये बोला कि पप्पू की माँ, तुम जो रटती रही हो यहाँ, उधर थाने में मुझसे वही दरोगा ने भी पूछा, वहाँ पी कहाँ पी कहाँ पी कहाँ। अच्छे, देश में दो तरह के नौजवान हैं साथियों, कुछ नौजवान हैं घाटी में, कुछ नौजवान चौपाटी में। कुछ देश की रक्षा करते हैं, कुछ स्वयं सुरक्षा करते हैं। कुछ उलझ गए बारूदों में, कुछ उलझे हुए हैं जुल्फों में। वाह, वे नाम अमर कर जाते, ये भी अमर नाम को करते हैं, वे उस सीमा पर मरते हैं, ये इस सीमा पर। हाय हाय, वाह, तुमने बिल्कुल सही कहा, आज के नौजवान
कुछ इस सीमा पे मरते हैं, कुछ इस सीमा पे मरते हैं। तो ऐसे ही एक नौजवान मोहल्ले में एक औरत ने अपने पति से कहा, देखो जी पड़ोस वाली देखो ये लड़की गुड्डी, 99 नंबर लाई है 99 100 में से। तो एक नंबर बोले कहाँ गया, बोले तुम्हारा बेटा लेके आया है। अंतु झकास जी कैसे हैं आप? बोले तो एकदम झका। तो हाथ ऐसे क्यों फिराया आपने? बोले तो एकदम झकास, मतलब इसका कारण समझ में नहीं आया। ये दिल झकास। हाय हाय, तो दुनिया झकास। मजा आ रहा है आपको? झकास। क्या बात है, क्यों आ रहा है? इसका उत्तर झकास नहीं हो सकता, क्योंकि कार्यक्रम है झकास। वाह भाई वाह, बहुत अच्छे। ताराचंद तन्हा और विभा, इन दोनों में से आपको कौन पसंद आया? ताराचंद मेरे बड़े भाई और विभा मेरी छोटी बहन। देखो ये कितना समझदार आदमी है। इनके पास बचने के कई बहाने हैं। तुरंत बहन बोल दिया, क्योंकि जो बाकी बचे हुए दांत वो बचाने हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और बनारस से आई विभा सिंह को बुलाते हैं, जो बहुत खूबसूरत पढ़ती हैं। आइए जोरदार ताली से स्वागत करें विभा सिंह का। नमस्कार, मैं विभा सिंह बनारस से। आइए मैं एक मुक्तक पढ़ती हूँ, सुनिए जी। निगाह कुछ भी कहे दिल से भूल मत करना। हाय हाय, निगाह कुछ भी कहे दिल से भूल मत करना। कुछ भी कहे दिल से भूल मत करना, गुलाब जिंदगी है तो बबूल मत करना। इकरार किया कभी इनकार किया, क्या बात? कभी इकरार किया कभी इनकार किया, नींद आंखों की उड़ी दिल बेकरार किया। ऐ मेरी जान जिगर कैसा तूने प्यार किया, कभी इकरार किया कभी इनकार किया, कभी इकरार किया की उड़ी दिल बेकरार की।
बहुत अच्छा लगता है जब नए लोगों को इतनी मोहब्बत मिलती है। मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होता उस वक्त। मुझे लगता है कि मैं अपना कर्म ठीक कर रहा हूँ, शेमारू टीवी अपना कर्म ठीक कर रहा है कि हम लोग नए स्टार्स देश को दे रहे हैं। और आप कवि सम्मेलन के मंचों पे बहुत बड़ी स्टार बने, ये हमारी शुभकामना है। और आज इस ऑडियंस ने जिस तरह से आपको मोहब्बत दी है, मैं चाहता हूँ ये मोहब्बत आपको देश और दुनिया में भी मिले। हम आप तीनों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाते हैं। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है कहानी थोड़ी इल्मी है। सईद जाफरी साहब, मिठुन दा तोहफे के रूप में शायद कलम दे रहे, किसी को आता है कुछ दिमाग में? कलम देख के तीनों कलमकार खामोश हो गए। यही हमारी सच्चाई है। लेकिन इस कलम को देख के जी करता है मेरा कि मैं देश के कवियों को, लेखकों को, पत्रकारों को और हर उस व्यक्ति को जिसके हाथ में कलम है उसे सलाम करूं, क्योंकि वो बहती हवा के विरुद्ध खड़ा होता है, क्योंकि वो नदियों के बहाव के साथ नहीं बहता, वो लहरों के विरुद्ध बहता है। परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं होती, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वो अपने विश्वास से, अपने कर्तव्य से नहीं डिगता। उसकी कलम हमेशा सतत वन अनवरत लिखती रहती है। और ये लोग भी वही हैं जिनकी कलम सच लिखने से कोई गुरेज नहीं करती। तब मुझे डॉक्टर उर्मिलेश की गजल के दो शेर याद आते हैं, जाते जाते इस दृश्य को देखने के बाद, जो सही है वही बात बोलेंगे, पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे। डॉक्टर उर्मिलेश कहते हैं कि पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, जो सही है वही बात बोलेंगे। साहिबों, हम कलम के बेटे हैं, हम कैसे दिन को रात बोलेंगे। वाह भाई वाह।